हेलो स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में अब काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना एंड उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना. बट एक चीज़ जो हमारी रह गई थी, दैट इज़ डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. आपको अगर याद हो, कभी भी हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो उसके बाद सबसे पहली कंडीशन जो हम चेक करते हैं वो ये होती है कि नंबर ऑफ़ एलोकेशंस हमारे m प्लस n माइनस 1 के बराबर हैं या नहीं है. जहाँ पे m आपका क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ सोर्सेज, और n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, दैट इज़ नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशंस जहाँ पे आपको सोर्सेज से कमोडिटीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है. सो जब भी हमारी नंबर ऑफ़ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 के बराबर होती हैं, यानी हमारा सोल्यूशन ठीक है, हम आगे सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए, या फिर अगर वो आपका फाइनल सोल्यूशन है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये फाइनल सोल्यूशन है. और इस केस में हम बोलते हैं कि जो भी हमारा सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन है. नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन का मतलब वहाँ पे डीजेनरेसी का केस नहीं आ रहा है. बट कई बार ऐसा होता है जब हमारे जो नंबर ऑफ़ एलोकेशंस हैं वो लेस दैन एम प्लस एन माइनस वन आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कि देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी. डीजेनरेसी का मतलब जब भी आपके नंबर ऑफ़ एलोकेशंस जो आपने फाइंड किए हैं इनिशियल सॉल्यूशन में वो अगर m प्लस n माइनस 1 से कम है तो आपके पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, या फिर जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक डीजेनरेट सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका डीजेनरेट सॉल्यूशन है वही जाकर आगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल करके आता है. बट चेंज हमें क्या करना होता है, आपको याद होगा जब हमने मोदी मेथड पढ़ा था तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप चेक करते थे कि कहीं पे डीजेनरेसी की प्रॉब्लम तो नहीं है. वहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन थी कि नंबर ऑफ़ एलोकेशंस एम प्लस एन माइनस वन होने चाहिए, उसी के करस्पॉन्डिंग ही आगे आप काम कर पाते थे. वहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि अगर डीजेनरेसी की प्रॉब्लम अराइज कर जाए तो हमें क्या करना है. सो बेसिकली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप पे, तो हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है, किस तरह से फर्दर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो आपके पास डीजेनरेसी के दो केसेस हो सकते हैं. केस फर्स्ट हो सकता है कि जो आपकी डीजेनरेसी की प्रॉब्लम आए वो एकदम सॉल्यूशन के इनिशियल स्टेज पे आ जाए, दैट इज़ डीजेनरेसी इन द इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट मतलब जिस स्टेप पे आप इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं उसी स्टेज पे अगर हमारी डीजेनरेसी आ जाती है तो हम क्या करते हैं. ये चीज़ मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ. ओके, सो फर्स्ट केस यानी डीजेनरेसी इन द इनिशियल स्टेज समझाने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम कंसिडर करी हुई है. ये हमारी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी जिसके लिए हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है. यहाँ पे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था. सप्लाई भी 210 है एंड डिमांड भी 210 है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा हमारे टेबल में एंड हम डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे सपोज़ मैंने लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड किया है, क्योंकि हम इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, तो डायरेक्टली मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है. सपोज़ ये हमारा सॉल्यूशन आता है. अब आप अगर देखेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितने आ रहे हैं. आपको यहाँ पे चार ही एलोकेटेड सेल्स दिखेंगी, 60, 20, 50 एंड 80, यानी 4. और इसको होना कितना चाहिए था, m प्लस n माइनस 1 के बराबर. यहाँ पे अगर आप m प्लस n माइनस 1 करेंगे तो आएगा 3 प्लस 3 माइनस 1, दैट इज़ इसको 5 के बराबर होना चाहिए था. बट क्योंकि हमारे नंबर ऑफ़ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से कम है, देयरफोर वी हैव अ डीजेनरेट सॉल्यूशन. मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन आया है उसमें डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है, तो फर्दर जो हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करना है उसके पहले हमें हमारे सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे.
सो नाउ लेट्स सी वो चेंजेस हम कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो चार एलोकेशंस आपको दिख रहे हैं इन्हें आपको पांच करना है. पांच क्यों करना है, ताकि वो एग्जैक्टली एम प्लस एन माइनस वन के बराबर हो जाए और आपकी जो डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है वो कुछ देर के लिए ही सही रिमूव हो जाए, ताकि आप फर्दर मोदी मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन के स्टेप्स परफॉर्म कर सको. मोदी मेथड में आप क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप एलोकेटेड सेल्स के लिए यूआई एंड वीजे फाइंड करते हैं. बट उस स्टेप तक पहुंचने से पहले एक बहुत नेसेसरी कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो ये होती है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस आपके एम प्लस एन माइनस वन के बराबर होने चाहिए. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सॉल्यूशन टेबल है हम अपने तरफ से कोई एक सेल में एलोकेशन कर देते हैं कुछ देर के लिए. वो एलोकेशन करने के दो मेन स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप, जिस भी सेल में आप एलोकेशन करोगे आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप हमेशा ही मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट करोगे, मिनिमम कॉस्ट इन अनऑक्यूपाइड सेल्स. अब आप देखिए अनऑक्यूपाइड सेल्स अगर हम देखें 8, 7, 8, 11 एंड 5, यहाँ पे हमें मिनिमम कॉस्ट कहाँ मिल रही है, 5 पे मिल रही है. तो यानी 5 पे हम एक एलोकेशन कर देते हैं, और हम 5 पे कितने यूनिट्स का एलोकेशन कर रहे हैं, डेल्टा यूनिट्स का. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप उस सेल पे एलोकेट करोगे जहाँ आपको कम से कम कॉस्ट मिलेगी. और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि आप हमेशा ही उस सेल पे एलोकेशन करोगे जो कि इंडिपेंडेंट पोजीशन में आपको मिले. अगर ये 5 हमारा डिपेंडेंट पोजीशन होता तो हम यहाँ पे एलोकेट नहीं करते, हम सेकेंड मिनिमम ढूंढते और हम वहाँ जाके इस डेल्टा को एलोकेट करते. सो फर्स्ट स्टेप फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जब हम डीजेनरेसी की प्रॉब्लम रिमूव करनी है तो हमें किसी भी सेल में एक डेल्टा अमाउंट को एलोकेट करना है. डेल्टा अमाउंट आप कौन से सेल में एलोकेट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कम होगी. कॉस्ट कम भी हमें ध्यान में रखना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा इंडिपेंडेंट पोजिशन पर ही एलोकेट करें. तो ये हमारा एलोकेशन हो गया है. एक चीज़ और, यहाँ पे आपका m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू 5 थी, जो आपके नंबर ऑफ एलोकेशंस आए हैं वो 4 आए हैं, इसलिए हमने एक ही डेल्टा का यूज़ किया है. अगर सपोज़ हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस 3 आए होते तो उस केस में हम क्या करते, हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो डेल्टा का यूज़ करते. इस डेल्टा का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, डेल्टा की वैल्यू हमारी इक्विवेलेंट टू 0 होती है. मतलब जब भी आप कॉस्ट फाइंड करोगे तो आप कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, 60 × 3 + 50 × 3 + 20 × 9 + 80 × 3 + δ × 5. और ये डेल्टा इंटू 5 के जगह पे आप 0 × 5 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी आपके कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, आपका कॉस्ट उतना ही रहेगा. बस ये डेल्टा रखने से हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि मोदी मेथड के जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो हमें हमारा एलोकेटेड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है. आप बस क्या करेंगे, अब इस सेल को एक एलोकेटेड सेल के तरह कंसिडर करेंगे, और फर्दर जो मोदी मेथड के स्टेप्स थे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, वो स्टेप्स हम फर्दर परफॉर्म करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर चुके हैं, जो मोदी मेथड हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, केस 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारी डीजेनरेसी की प्रॉब्लम सॉल्यूशन के इनिशियल स्टेज में अराइज करती है तो हम कैसे उसके साथ डील करते हैं. सिंपली हम नॉन एलोकेटेड सेल्स में से मिनिमम कॉस्ट और इंडिपेंडेंट पोजीशन पे एक डेल्टा का एलोकेशन करते हैं, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपके नंबर ऑफ एलोकेशन एम प्लस एन माइनस वन के बराबर हो जाते हैं, और आप फर्दर जाके ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कर सकते हैं. अब सेकेंड केस हमारा आता है जब हमारी डीजेनरेसी कोई इंटरमीडिएट स्टेज पे अकर करती है. इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब, फॉर एग्जांपल जब आपने इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड किया किसी भी प्रॉब्लम का, तब आपके पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे ही आपने आपके सॉल्यूशन को इम्प्रूव किया यूजिंग मोदी मेथड, तब आपके पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम आ गई.
तो ऐसे केसेस में हम कैसे प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसिडर करा हुआ है और इसका जो सोल्यूशन मैंने फाइंड किया है ये मैंने यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड फाइंड किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं इसीलिए मैंने सीधे डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख दिया है। आप चाहें तो आप बाद में सॉल्व करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये मेरे पास एलोकेशंस आए, एंड अगर आप देखेंगे ये हमारा 4x5 का मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पे हमारे पास 4 सोर्सेज एंड 5 डेस्टिनेशंस हैं। सो यहाँ पे एलोकेशंस मेरे पास कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे पास 8 हैं। और यहाँ पे अगर आप m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू चेक करेंगे, m प्लस n माइनस 1 भी यहाँ पे 4 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज़ 9 माइनस 1 8 ही आएगा, यानी जो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था उस प्रॉब्लम का, यहाँ पे आपके पास डीजेनरेसी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, आपका जो सोल्यूशन आया था वो नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन आया था। बट इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए वर्क करना पड़ता है, तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मोदी मेथड का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलोकेटेड सेल्स के लिए यू आई एंड वी जे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए डी आई जे फाइंड करते हैं। अगर आपका डी आई जे नेगेटिव आ जाता है एक या एक से ज़्यादा सेल्स के लिए, तो यानी कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, एक अननोन क्वांटिटी थीटा को असाइन करते हैं, एक लूप रन करवाते हैं जिससे कि हमें थीटा की वैल्यू मिल जाती है, इसके बाद हमें एक नया ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इम्प्रूवमेंट के बाद, मोदी मेथड अप्लाई करके इम्प्रूवमेंट के बाद जो हमें नया सोल्यूशन मिलेगा वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। अब अगर आप ये नया सोल्यूशन देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एलोकेशंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 एलोकेशंस हैं, बट हमारे पास होने कितने चाहिए थे, 8। बट जब हमें अब वापस से हमारे नए सोल्यूशन पे भी ऑप्टिमैलिटी चेक करनी पड़ेगी, और ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ एलोकेशंस में एक क्वांटिटी का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, वो क्वांटिटी अगेन हम डेल्टा असाइन करके ही नंबर ऑफ एलोकेशंस को बढ़ाएंगे, जैसे कि आपने इसी प्रॉब्लम के फर्स्ट केस में देखा था कि जब हमारा डीजेनरेसी इनिशियल फेज़ में होती है तो हम किस तरह से डेल्टा का एलोकेशन करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये आपका सेकेंड इम्प्रूव्ड सोल्यूशन है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू के लिए आपको अपना पिछला सोल्यूशन भी देखना पड़ेगा। यहाँ से हम डेल्टा का एलोकेशन उस सेल पे करते हैं जो कि आपका रिसेंटली वेकेंट हुआ होता है। दो तरीके होते हैं यहाँ पे डेल्टा का एलोकेशन करने के लिए, पहला तो कि आप उन सेल्स में एलोकेशन करोगे जो कि रिसेंटली वेकेट हुए हैं, मतलब जहाँ पे पहले एलोकेशन हो रखा था, बट एक बार आपने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली तो वो एलोकेशन अब रिमूव हो गया है और कोई नई एलोकेशन हो गई है, तो आप रिसेंटली वेकेंट सेल्स के पास जाएंगे। और सेकेंडली आप देखेंगे कि उनमें से मिनिमम कॉस्ट एट इंडिपेंडेंट पोजिशन हमें कहाँ मिल रही है। जैसे कि अगर आप इसको पहले वाले सोल्यूशन से कंपेयर करें तो आप देखेंगे जो सेल्स हमारी वेकेट हुई हैं वो है ये वाली सेल, इसको मैंने मार्क कर दिया, और हमारी ये वाली सेल, इसको भी मैंने मार्क कर दिया। इस सेल में आपका कॉस्ट था 6 रुपीज़ एंड इस सेल में आपका कॉस्ट था 5 रुपीज़, यानी जब हमने हमारे सोल्यूशन को इम्प्रूव किया, जो आपका नया सोल्यूशन आया उसमें आपके दो सेल्स वेकेट हो गए, एक सेल जिसमें कॉस्ट था 6 रुपीज़ एंड दूसरा सेल जिसमें कॉस्ट था 5 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों रिसेंटली वेकेटेड सेल्स में से जिस सेल का कॉस्ट कम है उस सेल में हम डेल्टा का एलोकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 6 का कॉस्ट है, यहाँ पे 5 का कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 वाले सेल में डेल्टा का एलोकेशन कर देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अब हमारे जो नंबर ऑफ़ एलोकेटेड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे,
एट जो कि हो जाएंगे एम प्लस एन माइनस वन के बराबर। अब आप फर्दर ऑप्टिमैलिटी चेक कर सकते हैं यूजिंग मोदी मेथड, जितने भी स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं, क्योंकि ये जो नेसेसरी कंडीशन थी वो हमने फुलफ़िल कर दी है। और अगर आप कॉस्ट फाइंड करके देखेंगे तो कॉस्ट आती है 25 × 4 प्लस 15 × 3 प्लस 15 × 2 प्लस 15 × 3 प्लस 20 × 3 प्लस 5 × 3 प्लस 5 × 2। और ये जो एक हमने अभी नया सेल एलोकेट किया है इसको भी हमें कंसिडर करना है 5 × डेल्टा या फिर 5 × 0, बिकॉज जो भी हमारा डेल्टा होता है वो हमेशा ही इक्विवेलेंट टू 0 होता है। ये जब आप ऐड करके देखेंगे तो कॉस्ट हमारी जो टोटल आएगी वो आएगी ₹305। तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, चाहे वो आपका फर्स्ट स्टेज हो इनिशियल या फिर आप इंटरमीडिएट स्टेज की बात करें, हमेशा ही आपको सिंपली एक डेल्टा का एलोकेशन करना है। और डेल्टा का एलोकेशन करने का तरीका क्या है, सिंपली आप उतने डेल्टा एलोकेट करोगे जितनी आपके पास कमी हो रही है नंबर ऑफ़ एलोकेशंस की एम प्लस एन माइनस वन के बराबर होने से। और तरीका क्या होता है डेल्टा एलोकेट करने का, आप सबसे पहले तो मिनिमम कॉस्ट ढूंढेंगे, और दूसरी चीज़ मिनिमम कॉस्ट हमेशा ही आपकी इंडिपेंडेंट पोजीशन पर होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये प्रॉब्लम इंटरमीडिएट स्टेप में अराइज़ करती है तो आप हमेशा ही मिनिमम कॉस्ट उस सेल में देखेंगे जो कि रिसेंटली वेकेट हुई है। सो ये था डीजेनरेसी का प्रॉब्लम। आप इसके एग्जांपल्स मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, यू कैन चेक थ्रू इट, एंड इफ़ देयर इज एनी डाउट यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट।